दोस्तों समग्र आईडी में आप सदस्य की ईकेवाईसी कैसे करेंगे, वह भी बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में जितने भी नागरिक हैं, ज्यादातर लोगों के पास में समग्र आईडी मौजूद है। लेकिन आपकी समग्र आईडी में पहले अगर यदि आधार कार्ड मौजूद था, लेकिन अभी आप प्रेजेंट में समग्र आईडी पोर्टल से अपने परिवार आईडी के साथ समग्र आईडी को सर्च करेंगे, तो हर एक सदस्य आईडी का अब आपको आधार वहां पर उपलब्ध नहीं है शो करेगा। इसका एक रीजन है, अब जब कभी भी समग्र आईडी निगम से आपकी बनाई जा रही है तो उस पर आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कराना अनिवार्य है। अब ऑपरेटर कॉल करके अलग अलग सबसे ओटीपी नहीं पूछेगा, तो इसलिए समग्र आईडी निगम से बना दी जाएगी। अब आपका काम है किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर या फिर आप स्वयं ही घर बैठे उस समग्र आईडी में जिस किसी सदस्य का भी ईकेवाईसी कराना चाहते हैं, यानी कि आधार उपलब्ध कराना चाहते हैं, वह करा पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप दो प्रकार से समग्र आईडी में ईकेवाईसी करा सकते हैं। पहला तो सीएससी पोर्टल के माध्यम से, अगर यदि आपके पास में सीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर के माध्यम से आप समग्र आईडी सदस्य आईडी ईकेवाईसी कर सकते हैं, या तो आप स्वयं ही समग्र पोर्टल पर जाकर ईकेवाईसी कर सकते हैं। सीएससी पोर्टल से समग्र सदस्य आईडी ईकेवाईसी कैसे किया जाता है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो ऊपर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी घर बैठे समग्र आईडी पर सदस्य आईडी ईकेवाईसी कैसे कर सकते हैं। ईकेवाईसी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे पता होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जिस समग्र आईडी में आप सदस्य की ईकेवाईसी करने जा रहे हैं, उस सदस्य के पास में आधार कार्ड मौजूद होना चाहिए और उस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके पास में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर ओटीपी किन्हीं कारणों से नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन जा करके इसे फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी करा सकते हैं। देरी नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर और इसकी पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं। सबसे पहले आपको समग्र पोर्टल की इस वेबसाइट पर आ जाना है। नीचे ईकेवाईसी करें विकल्प मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए अगर आप ईकेवाईसी करवाना चाहते हैं। ओटीपी को आपको नीचे दर्ज करना है और फिर उसे वेरीफाई कराना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस किसी का भी आप समग्र आईडी में आधार उपलब्ध कराना चाहते हैं, यानी कि ईकेवाईसी करना चाहते हैं, समग्र आईडी में उस व्यक्ति का सदस्य आईडी नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। पुनः सदस्य आईडी नंबर दर्ज करना है और इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में भरकर खोजें पर क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि इस समग्र आईडी से यानी कि इस सदस्य के नंबर पर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। ओके पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए। इस समग्र आईडी से आप कौन सा मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं, उस नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी जनरेट पर क्लिक करना है। मोबाइल पर ओटीपी पहुंचा दिया गया है, क्लोज पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को इस बॉक्स पर दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमने ओटीपी वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और खसरा नंबर डिटेल वगैरह आप दे सकते हैं। अगर यदि आप नहीं देना चाहते इसकी इन्फॉर्मेशन तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे और इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स पर भर के आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आवेदक का आधार नंबर दर्ज कर देना है। अब आवेदक का ईकेवाईसी किस माध्यम से करना चाहते हैं, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके या फिर उसके फिंगरप्रिंट के माध्यम से। अगर यदि मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसका ईकेवाईसी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस होना अनिवार्य है। फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, आप अच्छी सी मशीन वहां पर जाकर के ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं यहां पर आधार मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ईकेवाईसी करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर आधार ओटीपी का चयन करूंगा। आधार से ओटीपी का अनुरोध करें पर हम क्लिक करेंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचा दिया गया है। यहां पर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट चार अंक भी देख सकते हैं। क्लोज पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को इस बॉक्स पर दर्ज करके स्वीकार करना पर क्लिक करेंगे। आवेदक की सभी डिटेल्स यहां पर आपको दिखाई जा रही है, बॉक्स को आपको चेक मार्क करना है। अगर यदि नाम बदलना चाहते हैं तो सेकंड वाले विकल्प को टिक करेंगे, अन्यथा आप इस बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर यदि आप आधार कार्ड के अनुसार हिंदी में भी नाम बदलना चाहते हैं तो इस बॉक्स को भी चेक मार्क करेंगे और यहां पर आवेदक के आधार कार्ड में जो भी नाम है उसे यहां पर हिंदी में दर्ज कर देंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा गया पर क्लिक करेंगे। हिंदी में नाम टाइप करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी टाइप करेंगे वह यहां पर आपको हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करके कॉपी करना है। पोर्टल पर आने के बाद आप अपने सही नाम को यहां पर पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद नीचे स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा गया पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो जाएगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है। अगर सभी चीज आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सही रहा तो यह तुरंत ही पोर्टल पर अपडेट हो जाती है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अन्यथा अगर यदि ये रिव्यू पर जा चुका है तो 3 से 7 दिन के अंदर यह अपडेट हो जाता है। ऑनलाइन आप इसे चेक करना चाहते हैं तो ऊपर सर्च रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे। किस माध्यम से चेक करना चाहते हैं, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से चेक करना चाहते हैं तो ऊपर मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। बाय फैमिली समग्र आईडी के नंबर से देखना चाहते हैं या फिर समग्र आईडी के नंबर से देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड फिल करके देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर सभी चीज यहाँ पर सही रहा तो यह आईडी आपकी 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगी। अगर अंडर रिव्यू में है तो 3 से 7 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप पोर्टल पर आकर समग्र कार्ड प्रिंट करें पर क्लिक करके इसकी जानकारी ले सकते हैं या फिर समग्र सदस्य आईडी प्रिंट करें पर समग्र सदस्य आईडी नंबर डालकर भी इसे चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर समग्र पोर्टल को आधार कार्ड से लिंक करके ईकेवाईसी कर सकते हैं। होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।